कि अभी नई नई शादी भी हुई है तो बुलबुल को भी संभालना है, क्योंकि बुलबुल का उससे एक एज डिफरेंस है। नहीं उठ पाई 5:30 बजे, और माँ के स्ट्रिक्ट रूल है, और घर में पूजा है, और घर की नई दुल्हन। तो सुलक्षणा जो है वो चाहती है कि इस घर के तौर तरीके जो है वो उसे आ जाए। उसी मर्द की तरह फील कर रहे हैं जिसकी नई नई ताज़ी ताज़ी शादी हुई होती है। और वीर की लाइफ में कुछ वक्त से वो माँ से भी दूर रहा है, और हालांकि अभी नई नई शादी भी हुई है तो बुलबुल को भी संभालना है, क्योंकि बुलबुल का उससे एक एज डिफरेंस है, और बुलबुल को भी गृहस्थी में फिट करना है। और साथ में माँ आ गई हैं, माँ भी स्ट्रिक्ट है, और माँ के अपने रूल रेगुलेशन है, तो एक वही एक बेटे को और एक पति को तो बैलेंस बनाना पड़ता है, वही बनाने की कोशिश हो रही है। सही बात, यस, यही तो कहानी है शादीशुदा जीवन की, कि एक एक लड़खड़ाए तो एक संभाल ले। शादी तो यही है ना, जहाँ दो इंसान एक दूसरे के साथ आते हैं और कहते हैं मेरी कमी तुम्हारी ताकत से हम फुलफिल कर लेंगे, और मेरी ताकत से तुम्हारी कमी फुलफिल कर लेंगे, और दो लोग ऐसे फिर साथ में आते हैं। तो हाँ, बुलबुल से चूक हो जाती है, कुछ लोग नहीं उठ पाते 5:30 बजे, तो बुलबुल नहीं उठ पाई 5:30 बजे, और माँ के स्ट्रिक्ट रूल है, और घर में पूजा है, और घर की नई दुल्हन नहीं बहू, अगर पूजा में ही ना पहुँचे तो आप जानते हैं हमारे समाज में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो एक गंभीर माहौल चल रहा है, कोशिश सब लोग कर रहे हैं कि 5:30 बजे बुलबुल पहुँच जाए, पहुँच जाए, पहुँच जाए, पहुँच जाए, कट्टू बुलबुल सो रही हैं। तो फिर क्या होता है उसको देखने के लिए मेरा बालम थानेदार 9:30 बजे सोमवार से शुक्रवार कलर्स पे। हाँ, क्योंकि बुलबुल जो है वो जिस घर से आई है वहाँ पर उसकी माँ ने उसको अलग तरीके से, ऐसा नहीं है वो अच्छी लड़की है, लेकिन इस घर के तौर तरीके जो हैं उसे नहीं पता है। तो सुलक्षणा जो है वो चाहती है कि इस घर के तौर तरीके जो हैं वो उसे आ जाएं, और वो एक डिसिप्लिन्ड लड़की जो है वो एक अच्छी बींदनी बन जाए। और यही तरीका है शायद सुलक्षणा का बुलबुल को एक पत्नी से घर की बहू बनाने तक का।